हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चावल से बनी मोटी रोटी की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ चावल का आटा ले ली हूँ 1/2 kg। जो रोज वाली हम चावल खाते हैं, उसी चावल को आप धो के धूप में सुखा दीजिए और पिसवा कर आटा को ले लीजिए। तो मैं यहाँ आटा ले ली हूँ, अब हम इसे गूंद लेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ एक गमला ली हूँ, गमला में आटा को डाल दी हूँ। अब इसमें ठंडा पानी से ही हम आटा को, जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हम आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा को लगा लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम आटा लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम आटा में थोड़ा सा मोटा इस तरह से हम ले लेंगे, लोई को काट लेंगे और अपने हाथों की मदद से इसे ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लीजिए। ऐसे ही आप घुमाते जाएंगे और दोनों हथेली के बीच में डाल के ऐसे ऐसे दबाते हुए रोटी को हम पूरा बना लेंगे। तो ये देखिए, रोटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरे तरफ चूल्हा पे हम डाल रहे हैं एक तवा, तवा पर डाल देंगे रोटी। तवा को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ रोटी हो गया है, इसे हम पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ को भी हम चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पीछे तरफ भी रोटी सिक कर तैयार हो गया है। अब हम इसे पलट लिए हैं। ये रोटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सेम वही प्रोसेस से हम दोबारा भी रोटी को डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से पलट लेंगे। फिर इसे पीछे की तरफ हम चेक करेंगे। ये थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए हम थोड़ा से इसे और पकाएंगे। दोस्तों, ये रोटी मसाला प्याज के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जरूर इसको बना के देखिए। रोटी भी नीचे से सिककर तैयार हो गया है, अब इसे भी हम पलट लिए हैं। थोड़ा सा रोटी अभी और पकेगी। तो ये रोटी भी मेरा कंप्लीट हो गया है, इसे हम निकाल लिए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे।
अब थोड़ा सा प्याज ले लीजिए, उसमें अचार का तेल, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के उसे सर्व करिए। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए।